दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बाहर एक टिकट बुक करने की मशीन होती है। उस मशीन से आप खुद जनरल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले मशीन के पास जाना है और यहाँ पे आपको अन्य स्टेशन वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है उस स्टेशन का नाम एंटर करना है और उस स्टेशन का नाम जो है सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ नीचे आपको डिटेल दिख जाएगी कि कहाँ से कहाँ की टिकट बुक हो रही है, कितने किलोमीटर का है, कितने लोग के लिए बुक कर रहे हो। नीचे भुगतान का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किराया देखने को मिल जाएगा, 90 रुपये किराया है। और यहाँ ऊपर पेमेंट के ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी UPI ऐप से QR से ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिलेगा और नीचे टाइमिंग भी चल रही है, 177, 76, 75 ये टाइमिंग है। तो QR कोड को जो है फ़ोनपे गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट करना है। और आपको टिकट बुक नहीं करना है तो लेन देन रद्द करना पे क्लिक करके आप अपनी टिकट कैंसिल कर सकते हैं।